दुल्कर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुल्कर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे चाहता हूँ कि पंचाल के अवाम को और अपने सीनियर साथी जुल्फकार साहब को आज जो शुरुआत हुई है इससे मुझे पुख्ता यकीन हो गया है कि इंशाल्लाह कश्मीर के बाद यहाँ पर भी हमारी अपनी पूरी छाप होगी। और आप देखेंगे आते दिनों में चनाब खते चनाब में भी होंगे और जम्मू में भी हम लोगों के ऐसे ही जलसे आप देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगली सरकार जो बनेगी वो अपनी पार्टी, सर अपनी पार्टी की बात करें, जिस तरह कई जमातें अभी हैं राजौरी पुंछ में दोबारा नजर आने लगी, एक बार फिर राजौरी पुंछ में वही पहाड़ी वाला गुजर वाला मुद्दा लेके सामने आ रहे हैं, अपनी पार्टी किस मुद्दे के साथ ग्राउंड में? देखिए साहब, हम हमारी जिस वक्त हमने पार्टी बनाई उस वक्त हमने कहा हम दो रीजन को मिलाना चाहते हैं, हम न जम्मू को कश्मीर से लड़ाना चाहते हैं और न कश्मीर को जम्मू से। जब हम रीजन्स को मिलाना चाहते हैं आपको लगता है कि हम आपस में एक ही कम्युनिटी को आपस में लड़वाएं, तो हमारा तो कतन भी ये नहीं है। मिले जो मिले जो सब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को फ़ायदा मिलना चाहिए, जिसको जो फ़ायदा कॉन्स्टिट्यूशन देगी, हम नहीं उस सियासत में यकीन रखते हैं जहाँ लोगों को लड़ाएं। सर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हवाल क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल, हमारे नौजवान सड़कों पे हैं, आप देख रहे हैं रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हमारे डेली वेजर्स है 60,000 जो जिस जब 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 सरकार पुरानी गई थी, जब गवर्नर्स रूल यहाँ लगा था तब कहा गया था बस कुछ ही दिनों में इनको परमानेंट करेंगे, जो कि पहली कैबिनेट ने किया भी था। अनएम्प्लॉयमेंट 45,000 खाली जगहें पड़ी हैं जो आज तक फिलअप नहीं हो रही हैं, नौजवानों को रोज़ हरासा किया जा रहा है। आप देखिए SIs का है या वो BSF CRPF की रिक्रूटमेंट का, हर एक विषय में कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। आपने देखा, आपने सुना भी होगा वहाँ कि जो चीज़ें 18 जून 2018 को रुक जहाँ पर थी वहीं पे हैं। तो क्या लगता है आपको जहाँ लोगों की आवाज़ कहीं कोई सुन ना सुने? सर होम मिनिस्टर के टूर के दौरान उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर पर पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जा सकता है। आपकी तरफ से भी रियासत के दर्जे पे बात की जा रही है, सभी सियासी जमातें एक जबान होकर इसके खिलाफ पहले क्यों नहीं बोलती कि पहले रियासत का दर्जा दिया जाए उसके बाद इंतखाबात करवाए? देखिए हमें एक खुशी है कि आज जो बाकी जमातें बोलती हैं ये हमारा नैरेटिव है, ये हमने शुरुआत की, ये हमने कहा,
वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। अगर आज वो भी बोल रहे हैं तो हमें पूरा यकीन है कि उन्होंने अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ मिलाई है और हम इसका वेलकम करते हैं कि आज वो वही बात कह रहे हैं जो हमने 8 मार्च 2020 को की। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक अवामी सरकार है, वो डेमोक्रेटिक सरकार है, वो